हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आप सबका मिश्रा फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी यहाँ पे बारात आने का समय हो गया है, हमने आप लोगों को बताया था एक वीडियो में। और यहाँ बारातियों के स्वागत के लिए मिठाइयाँ पैक हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आप लोग भी एक एक पीस उठा लीजिए मिठाई का, जो मिठाई के शौकीन हों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सुबह की क्लिप है, हमने रात तक का वीडियो शेयर किया हुआ है। और ये सुबह दूल्हा जो होता है खिचड़ी खाने बैठा है, तो खिचड़ी की एक रस्म होती है और खिचड़ी कोई खाता नहीं है। इसमें बस खिचड़ी को उबाल के बना के लड्डू जैसा करके एक एक सबको दिया जाता है और मिष्ठान वगैरह होता है। और बस वही नेग वाला सिस्टम है कि नेग हर जगह देना है, नेग दिया जाता है। तो दूल्हे के साथ कुछ लोग बैठते हैं, 11, 7, 9 ऐसे लोग बैठते हैं। तो दूल्हे को फूल की थाली में परोसा गया है और जो उसके घर के होते हैं 2-4 लोग, उनको स्टील की थाली में दिया जाता है, बाकी सबको पत्तल में ही दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक रस्म है हम लोग के यहाँ। और इस खिचड़ी की रस्म के बाद फिर थैली की रस्म होती है। तो अभी आप लोग वीडियो बने रहिएगा और बताइएगा कि आज की रस्म कैसी लगी आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रस्म में पैसों के साथ दूल्हे को सोने की चैन और सोने की अंगूठी, घड़ी और एक बाइक दी गई है। तो मेन यही मतलब दूल्हे को होता है, तभी दूल्हा खाना खाता है। तो जिसका जो मतलब मांग होती है वो यही खिचड़ी के समय ही होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और अभी खिचड़ी हो गई है, तो ये थैली पे हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे फ्रेंड्स, मैं भूल गई थी कि ये परचन हो रही है। तो परचन होती है दूल्हा दुल्हन की, आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। लास्ट में लड़की की विदाई होनी होती है, तो उसके थोड़ी देर पहले संधियों का होना होता है। तो संधि लोग आते हैं घर में, अच्छे अच्छे लगते हैं। और घर के लेडीजें जो होती हैं, जो मतलब संधन होती हैं, वो मेरी मम्मी हैं और ये मेरी चाची मेरे जा रही हैं। तो पहले जब मैं पहुँची तो मेरी मम्मी है, पैसे दे के मेल देकर पैसे ले रही हैं संधियों का। तो जितने संधि होते हैं उतना को पैर छुआ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक रस्म ही है, ये हमारे यहाँ ऐसे ही होता है सबकी शादी में। और अभी विदाई का समय है, तो विदाई हुई थी शाम के समय 4-5 बजे करीब। सुबह बाराती चले गए थे, तो मेरे यहाँ बारात आई थी एक दिन पहले, उसके बाद शादी हुई, फिर बारात चली गई सुबह। तो लड़की की विदाई हुई शाम के समय, दूसरी मीटिंग 4-5 बजे करीब। तो यहाँ पे तैयारी हो रही है लड़की की विदाई की। तो बाराती सारे चले गए थे, सिर्फ 4-5 लोग ही थे विदाई के समय। उन एक ही गाड़ी मतलब बची थी दुल्हन वाली। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ये वाली वीडियो बच्चों ने बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी। तो कुछ गड़बड़ी हो तो माइंड मत करिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। और जो हो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि कैसी लगी आज की वीडियो।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे लड़की को चौक बनाया गया है आंगन में, वही चौक पे बैठा दिया गया है। और जो नाउन होती हैं वो रंग लगा महावर लगाएंगी पैर में, उसके बाद यहीं पे बिछिया उछिया पहनाया जाता है और फिर उसे